वेरी नाइस। फैसल, विदा, जफर, कौसर, अनम, नदी, आयशा, रजा जी। आप लोगों का क्यों इंस्टॉल हो रहा है, क्या इशू क्या आ रहा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में? अब्दुलरहमान, मोहम्मद साद, क्या इशू आ रहा है, क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो पा रहा आपका? मुझे बताएं, शायद मैं इसमें थोड़ी हेल्प कर दूं आप लोगों की। इंस्टॉल हो जाता है, आगे रन नहीं हो रहा। अच्छा, आप लोग ऐसा करें, जो आपको एरर आ रहा है उस एरर की जो फोटो है या कुछ आपके पास पिक्चर है तो वो जरा मेरे साथ शेयर करें, मैं अभी देखता हूँ क्या इशू है, इसको रिजोल्व करते हैं अभी। क्योंकि सॉफ्टवेयर का होना बड़ा जरूरी है आप लोगों के पास। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा काम करने में। इस तरह लेक्चर्स होते जाएंगे, आप लोग सीख नहीं पाएंगे कुछ। तो बारी बारी जरा मुझे पिक्चर शेयर करना शुरू करें, चाहे मेरे डायरेक्ट मैसेज कर दें मुझे आप लोग, तो इसके मसले को जरा हल करते हैं। डाउनलोड किस वेबसाइट से कर रहे हैं आप लोग? चले, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, वहां से डाउनलोड करें। नहीं, ट्रायल बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना, वरना आप आपको विंडोज दोबारा करनी पड़ जाएगी। मैं ये वेबसाइट खोल रहा हूँ, ये वेबसाइट ओपन होती है, मैं आप लोगों को लिंक यहाँ से देता हूँ, आप लोगों ने इस वेबसाइट से डाउनलोड करें, आपका ये मसला हल हो जाए। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, मैंने सर्च किया है, अगर आप ओपन हो जाए तो मैं आप लोगों को इसका लिंक देता हूँ। ये वेबसाइट है जी, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे तो इस वेबसाइट से जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा वो 100% ओके होगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ओहो, दुबई में आप, तो इसका हल ये किया जा सकता है। देखिए, अब उसके लिए मैं कुछ खास तो नहीं कर सकता, कोई प्रॉक्सी वगैरह यूज करके कर लें डाउनलोड इसको, वरना मैं देखता हूँ इसको डाउनलोड करके मैं अपने पास जो जो कह सकते हैं आप लोग गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आपके सामने ये वेबसाइट, ये पर्शियन जबान में वेबसाइट है। अब आपके सामने ये देखिए, ये लिखा हुआ है अडोबे प्रीमियर 2020, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज 64 बिट। ये 64 बिट विंडोज पे चलेगा और मल्टी लैंग्वेज है। आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके के साथ तो आपकी डाउनलोडिंग जो है ऑटोमेटिकली इस तरह इंस्टॉल हो जाए, तो मतलब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ये अब मेरे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, मैं इस पे दूसरे लिंक पे क्लिक करता हूँ, सेम उसी तरीके के साथ मेरा दूसरा लिंक भी जो है, सॉरी उसने एरर दे दिया, बट इसका दूसरा लिंक भी जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये भी लिंक है, ये भी इसको लोड कर लेगा थोड़ी देर में, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है सॉफ्टवेयर, इसको आप एक्सट्रैक्ट
करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके पास लेटेस्ट मशीन है, लेटेस्ट कंप्यूटर है, तो आप लोग 2020 इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास लेटेस्ट मशीन नहीं है तो आप लोग 2019 इंस्टॉल कर लें, 2018 कर लें, 2017 कर लें। आपके पास 15 तक के लिंक यहाँ पे मौजूद हैं। आपको जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक रीड मी की फाइल होगी। आपने इंटरनेट को बंद करके अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो इनशाला आपके सॉफ्टवेयर का जो इशू है वो हल हो जाएगा। मैं इसका लिंक आप लोगों को इस चैट पे भी दे रहा हूँ, ये चैट पे भी मैंने भेज दिया आपको लिंक। उसके बाद मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये लिंक भेज दी है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे जिसके पास नहीं है। मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं ये सॉफ्टवेयर जो होगा 100% ओके होगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। आज का चले लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछले लेक्चर्स के हवाले से किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल है? हाँ जी। और पिछले लेक्चर के हवाले से जिन लोग जिन्होंने असाइनमेंट किया, जरा वो भी ग्रुप में जरा शेयर करें असाइनमेंट्स। मुझे पता है, उम्मीद है मुझे, कि दो तीन बच्चों ने की होनी, बाकी किसी ने नहीं की होगी। 17 बैच मैं भी पढ़ा चुका हूँ। अब तो अंदाजा हो गया। देखिए, जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं था उनका तो मसला देखे ना, पूरा ऑथेंटिक है। जिनके पास है उन्होंने नहीं की, उनका जरा इशू है। सॉफ्टवेयर नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था। जिनके पास सॉफ्टवेयर था प्लीज वो जरा जवाब दें, उन्होंने की है या नहीं की। जिनके पास सॉफ्टवेयर था प्लीज जरा वो जवाब दें। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में आपने शेयर करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी अपनी स्क्रीनशॉट लेकर, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट स्क्रीन ले लें, उसको शेयर करें। माशाल्लाह 39 स्टूडेंट्स हैं, कुछ किसी ने तो की होगी असाइनमेंट। बाकी तो आए ही नहीं इसी डर से कि कहीं असाइनमेंट ही ना मांग ली जाए। वेरी गुड फैसल। जी ये देखें जी, फैसल ने असाइनमेंट सबमिट की अपनी, और बड़े अच्छे तरीके के साथ नीचे अपना बैच नंबर लिखा है, अपना नाम लिखा है, असाइनमेंट नेम लिखा है। इस तरीके के साथ असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है जिस तरह इन्होंने की है। सी, वेरी नाइस जी। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज। बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज जरा अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं यार। अगर नहीं की तो बता दो भाई कि नहीं की मैंने असाइनमेंट। अगर नहीं की तो आप बता सकते हैं कि जी मेरी असाइनमेंट नहीं हुई, ताकि उस्ताद को पता तो होना कि यार बच्चे ने कम नहीं है, काम नहीं करने वाले। अभी सबके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं ऊपर जाऊं चैट में तो कुछ 10-12 लोग थे। सही है, सही जा रहे हैं आप लोग। राहिल देखें बेटा, असाइनमेंट सबमिट करना सबसे जरूरी काम है। अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे तो मुझे एक चीज बताएं कि मैं
कैसे जज कर सकता हूँ कि आप लोग काम सीख रहे हैं, आप लोग काम सीख रहे हैं और आप लोग मतलब कुछ कमाने के काबिल हो गए हैं या नहीं हो गए, ये मुझे कैसे पता चलेगा? शहजाद असाइनमेंट सबमिट की है जी, ये असाइनमेंट शहजाद अनवर की है। गुड गुड जॉब बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास ये भाई कौन है? वेरी नाइस गुड जी। ये तरीका कार होता है ना, देखें असाइनमेंट सबमिट करने का, वेरी नाइस। जिसने भी ये काम किया है प्लीज अपना जरा नाम बताएं, कौन है ये? हिरन अहमद, वेरी नाइस बेटा, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया आपने। इसी तरह असाइनमेंट मतलब उस्ताद को खुशी होती है देख के अच्छा बच्चे काम कर रहे हैं। ये जी है शेर अली भट्टी, गुड जॉब, आपने भी सही किया जी। जी एक दो तीन चार पाँच छः, अच्छा बेटा आपने PNG सबमिट किए हैं। वाहद शब्बीर की भी आ चुकी है, मैं जरा PNG सेव कर लूँ। ओके गुड, हाँ जी आगे देखते हैं जी इनकी असाइनमेंट जिन्होंने भी किया है। वेरी नाइस गुड रीज इम्तियाज, आपने भी अच्छा काम किया बेटा, असाइनमेंट प्रॉपर की हुई है। ये अच्छी बात है कि असाइनमेंट आप लोगों ने प्रॉपर की, जिन्होंने जिन्होंने की है उन्होंने प्रॉपर की है। तो जिनके पास लैप वो सॉफ्टवेयर नहीं है वो आज की असाइनमेंट भी, और जो थी हमारी फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट असाइनमेंट है वो दोनों सबमिट करेंगे। हाँ जी मुझे आपने सेंड किया है, आपको मैंने जो अभी लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और इस चैट में भी ग्रुप दिया लिंक दिया है, आप उस लिंक को डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें सॉफ्टवेयर को, वेरी इजी, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है? 100% ओके सॉफ्टवेयर है जी वो वाला, आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा इजीली। सर आपकी आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है। डिस्टोर्शन आ रही है बच्चों को तो ठीक आ रही है सर, बच्चे भी बस कहने लगे होंगे कि मैंने आप एक का देखो आ रही होगी बाकी बच्चे। चलें ठीक है सर, ठीक है। ये असाइनमेंट किसके बेटा, नाम भी लिखा करें असाइनमेंट जब आप भेजते हैं। फाहद शबीर, वेरी गुड फाहद, आपने भी असाइनमेंट किए बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काम किया है। ओके अब हम आते हैं हमारे आई थिंक लेक्चर की तरफ आते हैं, बाकी अभी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी असाइनमेंट आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो कुछ असाइनमेंट्स जो हैं हम लोग बाद में भी देख लेते हैं। ओके सैयद इंजा, इंजा ने भी कर दी है असाइनमेंट जी, गुड, आपने भी बेटा काम किया है, वेरी नाइस, सब ने काम किया है मतलब, लेकिन जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है उन्होंने नहीं किया, चले कोई मसला नहीं। नेक्स्ट जो है आप लोग प्लीज अपनी असाइनमेंट्स कीजिएगा कंप्लीट, हम अब आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। अपनी अपनी नोटबुक्स जरा पकड़ लें, आपके पास 2 मिनट्स। जी नोट्सबुक ले ली आप लोगों ने अपनी? मैं शुरू करूं क्योंकि टूल्स पढ़ाने हैं मैंने आज।
या बस 4 लोगों ने पकड़ी है? मेरे पास भी है सर। वेरी गुड, पर आप तो मतलब कमाल है, आपके पास है तो आप तो कमाल है। सर मौसम कैसा है आपकी साइड का? सर मौसम तो ठंडा हुआ पड़ा है, परसों बारिश हुई है और कल रात को भी, और आज भी ठंडा ही ठंडा है। सर अब 1-2 दिन तक फिर गर्मी होगी फिर। सर लाहौर में तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया है, मेरे ख्याल से लेक्चर शुरू करते हैं, बच्चे रेडी हो चुके हैं सारे। चले जी, मैंने कहा पानी पी लो, उसके बाद गला खुश होना है अभी। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है हमारा, लेक्चर है जी, कल हमने फुटेज को इंपोर्ट किया हमारे, अभी आप सारे अब चैट को छोड़ देंगे सर, चैट को कर दें डिसेबल, बल्कि रहने दें, बच्चे वैसे ही अच्छे हैं, चैट पे नहीं बोलेंगे। कल हमने किया था फुटेज को इंपोर्ट किया, फुटेज को इंपोर्ट करने के बाद हमने सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस बनाने के बाद हमने टाइमलाइन पे फुटेज रखी, फिर हमने जो था हमारा क्या कहते हैं इसको प्रोग्राम मॉनिटर जो है, जो प्रोजेक्ट विंडो है वहां पे अगर हम उसको सर्च करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे उसका प्रीव्यू आ जाता है, किसी भी क्लिप का अगर हम देखें प्रीव्यू ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इस क्लिप को फॉर एग्जाम्पल इस क्लिप को हम लोग क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन पे रखते हैं तो हमें फिर उसका प्रीव्यू जो है प्रोग्राम मॉनिटर में इस तरीके से आता है, ठीक है जी। तो ये जो है बेसिकली हमारा रिकैप था पिछले लेक्चर का, आज का जो लेक्चर है हमारा जी, आज का लेक्चर है हमारा टूल्स पे, टूल बार के ऊपर है। ये टूल बार आपको शो हो रही है बेटा, ये टूल बार है जिसमें सबसे पहले सिलेक्शन टूल है, उसके बाद ट्रैक फॉरवर्ड टूल है, उसके बाद आप इस पे क्लिक करके होल्ड करते हैं रिपल एडिट टूल है, रोलिंग एडिट टूल है, आपके पास रेट स्ट्रेस टूल है, रेजर टूल है, आपके पास स्लिप एंड स्लाइड टूल है, आपके पास पेन टूल है, आपके पास हैंड एंड जूम टूल है, आपके पास टेक्स्ट टूल है, ठीक है। तो ये टूल्स हैं जी, बेसिकली ये टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हुए वीडियो को एडिट करते हैं, किसी भी वीडियो को आप एडिट करते हैं इन टूल्स को यूज करते हुए। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो पे आते हैं हम लोग, तो सिलेक्शन टूल को सबसे पहले देखते हैं हम लोग, चले इन सारों को मैं अभी इकट्ठे रखता हूँ। तो सिलेक्शन टूल क्या करता है? सिलेक्शन टूल का काम ये है जी कि सिलेक्शन टूल के साथ आप अपनी टाइमलाइन के ऊपर, ये टाइमलाइन है हमारी, हमारी प्रोजेक्ट विंडो में चीजों को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ऑडियो को क्लिक करना है, इस ऑडियो को चेक करना है, पकड़ के मैंने लेफ्ट या इसको राइट करना है इस तरीके के साथ, ठीक है जी। उसके बाद जी मैंने इसको इस ऑडियो को क्लिक करके इसको लेफ्ट या राइट मूव करना है, तो मैं किस तरह करूंगा? मैं सिलेक्शन टूल के साथ करूंगा, मुझे इन सबको सिलेक्ट करके टूल को आगे पीछे मूव करना है, तो मैं इस तरह सिलेक्शन बनाऊंगा, क्लिक करके माउस ड्रैग करेंगे हम लोग तो इस तरीके के साथ हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे हम राइट या लेफ्ट कहीं भी मूव कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर भी हम लोग इसी तरीके के साथ सिलेक्शन बना के चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स मॉनिटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इनको सिलेक्ट करके हम लोग साथ इस तरह टाइमलाइन पे चीजों को, हमारे फुटेजेस को, चीजों से मुराद फुटेजेस और इमेजेस और ग्राफिक्स को मूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलेक्शन टूल को। ओके, सिलेक्शन टूल तो हो गया जी। सिलेक्शन टूल के कह लें कि एक सेकंड वर्जन ये है, सिलेक्शन टूल का काम ये है कि आपको एक जितनी फुटेज आपकी पड़ी हुई है आपको उतनी टाइमलाइन जूम आउट करनी पड़ती है, माइनस के साथ आपकी टाइमलाइन जूम आउट होती है, देन आप इस तरह क्लिक करके पूरी सिलेक्शन बनाते हैं, फिर आपके क्लिप सिलेक्ट होते हैं और आप उनको कहीं भी मूव कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप इसमें ट्रैक फॉरवर्ड टूल आता है आपके पास, ट्रैक फॉरवर्ड टूल क्या करता है, आप जिस जगह पर रख के क्लिक करेंगे वो उससे आगे जितनी फुटेज होगी, जितने क्लिप्स होंगे, जितनी इमेजेस होंगी, उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। फुटेज से मुराद होता है
हमारे पास जितने क्लिप्स हैं, फुटेज इमेजेस हैं, हमारे पास एनिमेशन है, हमारे पास ग्राफिक्स हैं, उनको फुटेज कहा जाता है। जैसे कि अभी मैं अगर बताऊं, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, कोई चीज सेलेक्ट नहीं हो रही, इसे एक को सेलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों चीजें मूव करेंगी, मैं यहाँ आगे क्लिक करता हूँ तो ये दो तीनों चीजें मूव करेंगी, मैं यहाँ करता हूँ तो ये चारों चीजें जो है मूव कर रही हैं, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अन चारों चीजों को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अब सिलेक्शन ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल का फायदा क्या है कि ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल के साथ आप क्लिक करते हैं और इसको जितनी फुटेज हमारी ऊपर टाइमलाइन पे भी पड़ी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी यहाँ भी फुटेज पड़ी है, हमारे पास यहाँ भी फुटेज पड़ी है, अब ये फुटेज पड़ी हुई है हमारे पास, कुछ फुटेज यहाँ पड़ी हुई है, कुछ फुटेज हमारी यहाँ पड़ी हुई इस तरीके के साथ, तो मैं ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल लेता हूँ, क्लिक करूंगा और इनको आगे मूव कर दूंगा, वो उसी पोजिशन में उनको आगे मूव कर देगा, फिर इसे क्लिक करूंगा, इसे पीछे ड्रैग कर देंगे हम लोग। तो ये एक तरीका कार है जी चीजों को आगे पीछे मूव करने का। बाज़ुकात होता है कि आपने जी सिर्फ इस तरह सेलेक्ट किया तो ये इसने तो सब सारी चीजों को सिलेक्ट कर लिया, बट बाज़ुकात होता है कि आपने सिर्फ इस पोर्शन को मूव करना है, तो आप फिर सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसको आगे या पीछे कहीं भी मूव कर लेते हैं। एक तो हो गया ये ट्रैक फॉरवर्ड टूल, आप इस पे क्लिक करके रखेंगे तो इसके पीछे आ जाता है ट्रैक बैकवर्ड टूल, सेम टूल है, सेम टूल है जी, सेम टूल काम उसी तरीके से करता है, बट ये बैक की तरफ मूव करता है, इसका जो फेस है, इसके जो एरोस की शक्ल है वो बैक की तरफ है, ठीक है। सेम टूल है जी, उसकी सेकंड वर्जन है, जिस तरह आगे की तरफ मूव करता है उसी तरीके से पीछे की तरफ भी मूव करता है, बट उसके लिए हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास ये है, इसका फेस चेंज हो जाता है, टूल सेम है। देन हमारे पास आ जाता है रोलिंग एडर, ट्रिपल एडर और रेट स्ट्रेच टूल। सबसे पहले रिपल एडिट टूल है, उसके बाद रोलिंग एडिट टूल है, उसके बाद रेट स्ट्रेच टूल है। तो इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजर टूल। रेजर टूल क्या करता है, रेजर टूल इज मेन टूल, मतलब रेजर टूल जो है हमारा एक कहले के इस अडोबे प्रीमियर का एक मेन टूल है जी। इस टूल को क्या करते हैं हम लोग, इसके साथ हम लोग फुटेज को एडिट करते हैं, फुटेज को कट करते हैं। अब आप देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों लेयर्स हमारे पास सेलेक्ट हो रही हैं, आप इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियोज हैं, इन पे आप राइट क्लिक करें, इनको अनलिंक कर देंगे तो आपके पास वीडियो अलग ऑडियो अलग हो जाएगी, ठीक है जी। वीडियो अलग हो चुकी है, ऑडियो अलग हो चुकी है, हम इसको कंट्रोल जी करते हैं तो हमारे पास ये लिंक फॉर्म में आ जाती है दोबारा। अब मैंने रेजर टूल लिया यहाँ से, अब आप देखें आपके पास, मैं इसे ट्रैक फॉरवर्ड टूल से आगे कर देता हूँ, अब आपके पास ये जो फुटेज है, आपके पास ये फुटेज है, बट ये फुटेज क्या है जी, ये एक पूरा कंपाइल क्लिप है, इसके अंदर बट लेकिन डिफरेंट शॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट शॉट्स लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये शॉट्स को मैं कट करके अलग कर दूं, फॉर एग्जाम्पल जी, अब यहाँ पे जो पहले हैंडबैग का शॉट है ये जिन पे डक्स बने हुए हैं, अब मैं यहाँ से बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड आता हूँ, ये फॉरवर्ड आया मैं इस तरीके के साथ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरह आते हैं, कीज के साथ, जो माउस की एरो कीज हैं उनको आप क्लिक करते हैं तो पीछे की तरफ मूव कर देंगे, क्लिक करते हैं तो आप आगे की तरफ मूव कर देंगे, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड, उसके बाद आप बैक एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फॉरवर्ड, ये प्ले का बटन है, ये फ्रेम बाय फ्रेम प्ले का बटन है, ठीक है जी, ये फ्रेम बाय फ्रेम बैक का बटन है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने रेजर टूल लिया, मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने क्लिक किया, पहले ये क्लिप जो था एक था, मतलब ये पूरा क्लिप एक था, इसके दरमियान में कट कोई नहीं था, जब हम सेलेक्ट करके मूव करते थे तो ये पूरा मूव होता था, बट ये अब क्लिप जो है ये अलग हो चुका है, और उसको मैंने अलग किया तो उसके दरमियान में गैप आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो आ गई, ठीक है। अब इसे मैं क्लिक करके इधर ले आता हूँ तो अब देखते हैं आपके सामने, अब जैसे ये फ्रंट से शॉट आया जिसमें लड़का आगे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, मैंने इसका रेजर टूल लिया, रेजर टूल के साथ मैंने इतना कट कर दिया जी, इसको थोड़ा आगे करते हैं, तो अब हमारे पास ये साइकिल का शॉट अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया,
अब हम इसको थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पे ये और ये, और इसे हम लोग रेजर टूल के साथ काट देते हैं इस तरीके के साथ ऐसे, इसे हम थोड़ा आगे और मूव कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ जी, हमारे पास ये क्लिप्स जो हैं ये अलग हो चुके हैं। देख रहे हैं जी आपके क्लिप्स अलग हो चुके हैं, काट दिए गए हैं जी। कंट्रोल जी किया जाता है अगर अंडू करना हो। रेजर टूल की समझ आई बेटा आप लोगों को? बिल्कुल, हम ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। अभी हम ट्रांजेक्शन से जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, तो हम उसमें ट्रांजेक्शन को डिस्कस भी करेंगे साथ। जी समझ आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? रेजर टूल, ओके, सिलेक्शन टूल और ट्रैक फॉरवर्ड टूल, आपको समझ आया? और आप लोग टाइप भी कर रहे हैं इसको, अपने पास लिख भी रहे हैं। कट आप लोग इस तरह करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रेजर टूल सिलेक्ट किया हुआ है, मैं ये रेजर टूल लाता, प्ले हेड अपना लाता हूँ इस जगह के ऊपर, मैंने ये फ्रेम बाय फ्रेम पीछे चेक किया, और जैसे ही मैंने इस पे कट करना है तो मैं माउस से क्लिक करूंगा तो ये कट हो जाएगा इस तरीके के साथ। माउस से क्लिक करेंगे, क्लिक जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है माउस से क्लिक करेंगे आप। ओके जी, ये हो गया जी हमारा सारे का सारा जो है रेजर टूल। अब हम आते हैं हमारे रेजर टूल से नेक्स्ट, हमारे पास है जी रिपल एडिट टूल और रोलिंग एडिट टूल, उस पे आते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आगे ले आता हूँ ताकि सीक्वेंस चेंज हो जाए, समझने में आसानी होगी। मैंने इस वीडियो खास तौर पे रेजर टूल को समझाने के लिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें दो सीक्वेंसेस आ रहे हैं डिफरेंट, तो उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स को समझ जल्दी आ जाती है। अब मैंने क्या किया जी, ये क्लिप जो है कट कर रहे हैं अभी ऑडियो को साथ, तो मैंने राइट क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया अनलिंक, और इसको मैं ऑडियो को कर रहा हूँ डिलीट, और मैं यहाँ इसको चेक करता हूँ बैक फ्रेम फॉरवर्ड फ्रेम। रेजर टूल लिया, इसे मैंने कट कर दिया, अब मेरे पास ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए जी ये वाला जो लड़की का शॉर्ट है जिसमें वो फ्लावर स्मेल कर रही है, मैं इसे कट करना चाहता हूँ, मैं इसे निकालना चाहता हूँ डायरेक्ट डॉग वाले शॉर्ट से, या हम लोग किस तरह करते हैं कि जी, हाँ जी ये बैठे हुए ना दोनों, ये वाला शॉर्ट मैं निकालना चाहता हूँ, मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजर टूल लूंगा या क्लिक करूंगा माउस, इसको लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसे डिलीट कर दिया, और अब मैं चाहता हूँ कि ये साथ भी जुड़ जाए, तो इसको क्लिक करके मुझे साथ जोड़ना पड़ेगा इस तरीके के साथ, तो हमारा क्लिप वो डिलीट हुआ इस तीन से चार तरीकों के साथ, सही है जी, तीन से चार तरीकों के साथ डिलीट हुआ। मैंने इसे किया कंट्रोल जी, डिलीट का बटन दबाने के साथ आप डिलीट कर सकते हैं किसी भी पेज को। अब मैंने क्या किया जी, मुझे तीन स्टेप करने पड़े, तीन स्टेप क्या करने पड़े, पहले मुझे रेजर टूल के साथ कट लगाया, फिर मैंने सिलेक्शन टूल के साथ इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट किया। बट रिपल एडिट टूल क्या करता है, सर बेटा जरा प्लीज फोकस, डिलीट वाला स्टेप दबा, बेटा डिलीट का बटन दबाओगे तो फुटेज डिलीट हो जाएगी, आप डिलीट का बटन दबाएंगे, ये ले, ये सिलेक्ट किया, ये डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट का बटन दबा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल क्या करता है, रिपल एडिट टूल करता है जी आपको, फॉर एग्जांपल मैंने पहले इसको कट किया, इसे डिलीट किया, देन रेजर सिलेक्शन टूल ली, लेने के बाद उसको इसको अटैच किया इसके साथ, बट जो रिपल एडिट टूल है वो हमारा टाइम सेव कर देता है। इसमें मैंने क्लिक करके मैंने इसको इतना ट्रिम कर दिया और उसने ऑटोमेटिकली उस क्लिप को ट्रिम भी कर दिया, और इस डॉग वाले शॉर्ट के बाद वो ब्रिज का शॉर्ट भी आ गया, उसने ऑटोमेटिकली उसको अटैच भी कर दिया और डिलीट भी कर दिया। अब देखिए जिस तरह मैं चाहता हूँ जी, ये दोनों जो ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं, ये दोनों ब्रिज के ऊपर जो खड़े हुए हैं, ये शॉर्ट डिलीट हो जाए। मैं रेजर टूल लेता हूँ, मैं इसे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट किया, डिलीट किया, अब इसको साथ अटैच किया, मैंने तीन से चार स्टेप करने पड़े मुझे, ठीक है। तो बट अगर मैं करता हूं जी इसको,
लेता हूँ इस पे मैं फॉर एग्जांपल रिपल एडेड टू ट्रिम भी कर दिया और उसको साथ अटैच भी कर दिया जी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये रिपल एडिट टूल? मुझे लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप लोगों को क्लियर हुआ। ओके ग्रेट ग्रेट। अच्छा अब आपको एक चीज और बताता चलूं मैं। कोई भी क्लिप होता है उसका जो स्टार्ट होता है, जिस तरह ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है जी इसका, ये क्लिप जो है और ये क्लिप जो है इसका एंड है। ठीक है, मतलब जो स्टार्ट होगा क्लिप का वो कहा जाता है हेड, और जो एंड होगा उसका उसे कहा जाता है टेल। हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, क्या कहा जाता है क्लिप के स्टार्ट को? जरा बताएं क्लिप के स्टार्ट को क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है। और क्लिप के एंड को क्या कहा जाता है? टेल कहा जाता है। वेरी नाइस वेरी नाइस, फोकस्ड हुए हैं सारे बच्चे जी। अब जिनको रिपल एडिट टूल समझ नहीं आया था उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। रिपल एडिट टूल डिलीट प्लस ट्रिम इकट्ठे करता है, डिलीट प्लस ट्रिम प्लस अटैच। ठीक है, ट्रिम प्लस अटैच इकट्ठा करता है। अगर आप शॉर्ट वर्जन में गए, मैं ये क्लिप जो है ये लड़की के हंसने वाला क्लिप ट्रिम करना चाहता हूँ, इसे खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस क्लिप के हेड को मैं क्लिक करूंगा रिपल एडिट टूल लेके, इसको मैं इतना ट्रिम करूंगा तो वो उसको ट्रिम भी कर देगा और ऑटोमेटिकली उसको अटैच भी कर देगा उसके साथ। देख रहे हैं जी, उसने उसको ट्रिम भी कर दिया और ऑटोमेटिकली उसको अटैच भी कर दिया। ओके अब हम आते हैं जी हमारे नेक्स्ट टूल के ऊपर, रोलिंग एडिट टूल। रोलिंग एडिट टूल क्या करता है जरा फोकस करें। रोलिंग एडिट टूल करता है जी, रोलिंग एडिट टूल का काम होता है कि वो एक क्लिप के टेल को जो है ट्रिम या ओपन करता है और दूसरे क्लिप के हेड को ट्रिम या ओपन करता है। डिपेंड करता है, अगर आप जाएंगे राइट साइड की तरफ तो वो इसकी टेल को ओपन करेगा, अगर आप लेफ्ट साइड की जाएंगे तो वो दूसरे क्लिप जो सेकंड क्लिप है उसके हेड को ओपन करेगा। ठीक है, और पहले वाले की टेल को ट्रिम करेगा। वो कैसे देखते हैं जी, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं जी यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये डॉग का शॉर्ट जो है ये फजूल सा है, मुझे इसे ट्रिम करना है, बट मैं चाहता हूँ कि साथ ये वाले क्लिप के जो बैक है जिसमें लड़की बैठी भी थी सोच रही थी कुछ, वो वाला शॉर्ट भी ओपन हो जाए, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं जी, मैं इस पे आऊंगा रोलिंग एडिट टूल को क्लिक करूंगा। मैं यहां क्लिक करके मैंने क्या किया, इसको इसको मैंने इतना ओपन कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, इस क्लिप के जो है हेड को ओपन कर दिया, इस क्लिप की टेल को ट्रिम कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, डॉग का शॉर्ट डिलीट हो गया और इस लड़की का शॉर्ट आ गया यहाँ पे। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये लड़की का शॉर्ट डिलीट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको मैं राइट साइड में मूव कर दूंगा इस तरीके के साथ, तो क्या होगा, वो डॉग का शॉर्ट वापस आ गया और उस लड़की का जो शॉर्ट था वो निकल गया। बड़ा सिंपल सा टूल था ये। आ गई समझ आप लोगों को इसकी? वेरी नाइस वेरी नाइस। चलें अगले टूल पे आते हैं फटाफट, हमारे पास टाइम भी बड़ा शॉर्ट है जी। अगले टूल पे आते हैं जल्दी से। क्या रिपीट करना है बेटा, देखो बड़ा सिंपल सा टूल है, आप फोकस होके बैठा करो ना, बाद में भूल जाते हैं। अब आप देखें, मुझे ये शॉर्ट ट्रिम करना है। ठीक है, एनर्जी सारी जो होती है ना बंदे की जीरो हो जाती है, फोकस होके बैठा करो जरा। मुझे ये डॉग का शॉर्ट ट्रिम करना है और इस शॉर्ट को ओपन करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं रोलिंग एडिट टूल लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, वो इसके हेड को ओपन कर रहा है और दूसरे पहले वाले की टेल को ट्रिम कर रहा है। तो देखें जी ये हो गया इस तरीके के साथ। अब मैं इस लड़की के शॉर्ट को अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इस लड़की के शॉर्ट को अगर मैं ट्रिम करना चाहता हूँ और मैं साथ चाहता हूँ कि जी पहले वाला क्लिप जो है वो भी ओपन हो जाए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और इसको राइट साइड पे मूव कर दूंगा ऐसे जी। ये
ठीक है जी। इस तरीके के साथ ये जो है हमारा रोलिंग हेड टूल जो है काम करता है। अब आते हैं जी हमारे पास रेट स्ट्रेच टूल है। रेट स्ट्रेच टूल क्या करता है, मैं इस क्लिप को लेता हूं। रेट स्ट्रेच टूल जैसे नाम से ही बड़ा मतलब जाहिर हो रहा है कि रेट स्ट्रेच टूल किसी भी वीडियो को उसकी स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। जी ये देखिए जी, ये है जी क्लिप हमारे पास, ये क्लिप है जी, ये क्लिप है हमारे पास ये वाला। अब मैं इसको ट्रिम करना चाहता हूँ या मैं इसमें चाहता हूँ कि इसकी स्पीड ज्यादा हो जाए, उसकी स्पीड किस तरह ज्यादा होगी, मैं रेट स्ट्रेच टूल लेता हूँ इसे क्लिप को। अभी इसकी ड्यूरेशन देखें आप, मैंने ये सिलेक्शन ली है यहां से और यहां से। अब मैं चाहता हूं कि ये क्लिप जो है इतना हो जाए और इसकी स्पीड तेज हो जाए, तो इसको मैं क्लिक करके यहां ले आता हूं। रेट स्ट्रेच टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब देखें वो किस तरह भाग रहा है। ठीक है, कंट्रोल जी किया मैंने तो देखें वो किस तरीके का स्लो स्लो आ रहा था पहले। रेट स्ट्रेच टूल जो है किसी की क्लिप की स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया। अब रेट स्ट्रेच टूल को आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करें, यहां से आप चले जाएं स्पीड ड्यूरेशन में, यहां पे आप देखें स्पीड ड्यूरेशन है 100, आप इसे कर दें जी 200। ठीक है, मैंने इसे 200 कर दिया, अब उसकी स्पीड जो है वो तेज हो चुकी है, डबल हो गई स्पीड उसकी। इसी तरीके के साथ आप इस पे भी चाहे राइट क्लिक करें, स्पीड ड्यूरेशन में इसे कर दें आप 200। ये क्लिप के अंदर मैं 200 कर दिया इसकी स्पीड, तो वो 200 की स्पीड के ऊपर भागना शुरू कर दिया। तो बाज़ूकात होता है कि आप इसको इतना कर दें कि जी मैंने इसको तेजी से लाना है, ऐसे तेजी से ला के मैं चाहता हूँ कि जी ये स्लो हो जाए, जिस तरह वो अक्सर आप टिकटॉक के ऊपर और इधर उधर वीडियो देखते होंगे, बड़ा वो एक्शन हीरो की तरह वो आता है एकदम से तेजी से और स्लो हो जाता है। आपने YouTube पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, टिकटॉक की इसलिए मिसाल दी है क्योंकि बड़े लोग आजकल क्रेजी हुए उसके ऊपर। तो ये देखें जी, ये किस तरीके से वो तेजी से भागता हुआ आता है और वो स्लो हो जाता है। तो रेट स्ट्रेच टूल का ये काम होता है। उसके बाद ही हमारे पास पेन टूल जो है, पेन टूल हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट में इसको यूज करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। हैंड टूल है हमारे पास, हैंड टूल क्या करता है, हैंड टूल के साथ आप लोग लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं क्लिक करके। उसमें आगे जाते हैं, जूम टूल है, तो जूम टूल के साथ आप किसी भी क्लिप को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं टाइमलाइन में किसी भी जगह के ऊपर। उसके लिए आप लोग माइनस और प्लस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करेंगे, सॉरी ऑल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस होगा, छोड़ देंगे तो प्लस होगा, जूम इन होगा और ये जूम आउट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास रह जाता है एक तो टाइप टूल और दूसरा पेन टूल। ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़े उसी असाइनमेंट के मुताबिक है। अब जरा प्लीज फोकस्ड हो, दरमियान वाला इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये टूल जो है किसी काम का टूल नहीं है। ये मुझे इतना अर्सा हो गया काम करते हुए, मेरे कभी यूज में नहीं आया, तो मुझे लगता है कि आपके भी कभी यूज में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि लाइक उन्होंने बना दी होती हैं, मतलब इनका यूज होता है, कुछ लोग करते भी होंगे यूज, कुछ नहीं भी करते। तो जितने टूल मैंने आपको बताए हैं, ये टूल्स पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, आप लोगों ने डाउनलोड करना है जी एक ट्रेलर मूवी का, एक्शन मूवी का ट्रेलर डाउनलोड करना है। उसी एक्शन मूवी को आपने क्या करना है जी, अब आपने एक वीडियो क्लिप लेना है और सॉरी ऑडियो क्लिप लेना है, ऑडियो ऐसा क्लिप लेना है, एक्शन ट्रेलर ट्रेलर का म्यूजिक डाउनलोड करना है आपने। ठीक है, ट्रेलर का म्यूजिक डाउनलोड करना है आपने। अब आपका जो ओरिजिनल ट्रेलर होगा उसको आपने जोड़ना है, कटिंग करनी है उसकी। कटिंग करने के बाद उसको जोड़ेंगे हम लोग अपने अपने तौर पे, आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कल क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको ट्रेलर एक पूरा बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अपने अपने तौर पे पहले आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर उसकी क्लास होगी।
अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप असाइनमेंट नहीं बनाएंगे, उसकी क्लास नहीं होगी। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ट्रेलर बनाना मैं सिखाऊंगा, एक्शन ट्रेलर किस तरह बनाया जाता है, किस तरह शॉर्ट्स को आप यूज करते हो, और एक्शन ट्रेलर डाउनलोड करके उसकी आपने अपने तौर पे कहानी भी बनानी है दिमाग के अंदर। अच्छा यार, ये रात का शॉट है तो ये दिन का शॉट होना चाहिए, यहाँ पे ये सोच रहा होगा तो यहाँ, अपने तौर पे अपने जेब में कहानी बना के शॉर्ट्स को शफल करें, म्यूजिक की बीट्स के ऊपर ठा ढूस ढूस ठा करके कोई ट्रेलर बनाए मजा सा, जिस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस है, उसके बाद स्काई फॉल है, मिशन इम्पॉसिबल है, जैक रिचर है, हमारे पास टेनेट है, इंसेप्शन है, बहुत सी मूवीज हैं। आप इन मूवीज का ट्रेलर उठाएं, पाकिस्तानी मूवी ले लें, मौला जाट का ट्रेलर बना लो भाई, इंडियन मूवी ले लो, बट मजेदार चीज बनानी है। ठीक है, रेजर टूल इस्तेमाल करना है, सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करना है, इन दो टूल्स को आपने यूज करते हुए उनको कट पेस्ट करना है, और उसकी एक असाइनमेंट बना के वीडियो एक्सपोर्ट किस तरह करनी है। वीडियो एक्सपोर्ट आप करेंगे इस तरीके के साथ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक वीडियो एक्सपोर्ट करनी है, मैं यहाँ पे आऊंगा, मार्क इन करूंगा, यहाँ पे आता हूँ जी, एरो अप की दबाई मैंने, यहाँ पे आके मैं मार्क आउट करता हूँ, तो मेरा इतना पोर्शन जो है ये एडिट कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सिलेक्ट है, यहाँ से आता हूँ मैं जी फाइल में, फाइल में आके मैं करता हूँ मीडिया एक्सपोर्ट। मीडिया एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आउटपुट नेम दूंगा मैं, हाई बिट रेट, इनको कुछ ही को नहीं छेड़ना, आउटपुट नेम देंगे क्लास 01 है, आप सेव करेंगे और इसको यहाँ से कर देंगे आप एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे जिस जगह पे आपने उसको सेव किया है उस जगह पे वो आपका जो होगा क्लिप मौजूद होगा, वहां से अपने क्लिप उठाना है, उसको मुझे व्हाट्सएप कर देना है जब क्लास स्टार्ट होगी तब। रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी अभी, तो बाकी जो है आप लोगों ने असाइनमेंट पे फोकस करनी है, लेक्चर आज का हमारा कम। मैंने बेटा फैसल अभी थोड़ी देर पहले असाइनमेंट्स ही बताई है, इतनी लंबी थोड़ी। ट्रेलर डाउनलोड करना है और उसका नया म्यूजिक डाउनलोड करना है यूट्यूब से, और उसके ऊपर आपने जोड़ना है। ठीक है, ओके वसीम साहब, हमारी क्लास आज की कंप्लीट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर इनसे मुलाकात होती है बच्चों से। जी, क्या लेक्चर में सवाल है बेटा, पूछो पूछो जल्दी। सर जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी रेजोल्यूशन क्या है और हमने कौन सा सीक्वेंस बनाना है? ओके, आप इस क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप लोग चले जाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज आ गएंगे आपके पास, प्रॉपर्टीज में आपके पास ये लिखा हुआ जी, आपकी वीडियो है एमपेग, आपकी फ्रेम जो फाइल साइज है वो 36 MB है, इमेज साइज है जो रेजोल्यूशन है आपकी 1920x1080 है, फ्रेम रेट आपका 30 है, तो आपने अपने 1920x1080 के ऊपर सीक्वेंस बनाना है। क्लिप्स को यूज किस रेजर टूल के साथ यूज करने के बाद जोड़ना कैसे है? इसको इस तरह क्लिक करें और इसके साथ अटैच कर दें ऐसे, इन दोनों को क्लिक करें, टाइमलाइन को थोड़ा जूम आउट करें और इनको क्लिक करके यहाँ सिलेक्शन टूल के साथ इसे अटैच कर दें ऐसे, तो आपका जुड़ जाएगा वो, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।